हेलो डियर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है एक इलेक्ट्रोस्टेटिक्स एक एक का जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए चार्ज स्मॉल क्यू इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस कैपिटल क्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू सो डेट ऑल थ्री चार्जेस विल बी इन इक्वेरियम तो मैंने फ़िगर यहाँ पर बनाया हुआ है क्यू चार्जेस कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं और स्मॉल क्यू सेंटर पर रखा हुआ है और डिस्टेंस स्मॉल क्यू का दोनों से ए माना हुआ है अब यहाँ पर ए बी सी तीनों इक्विडियम में होने चाहिए ए पर अगर हम फोर्स देखते हैं तो सी की वजह से क्यू और क्यू दोनों सेम चार्ज के हैं इसलिए रिपल्सिव फोर्स लगेगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी नेट फोर्स ज़ीरो होने के लिए बी की वजह से लगने वाला फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होनी चाहिए और अगर हम फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कर दें तो हमारे पास क्या रिलेशन बनता है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्वायर के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है तो क्यू इन टू क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस टू ए है उसका स्क्वायर फोर ए स्क्वायर हो गया इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इससे आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से के कैंसिल हो रहा है ए क्यू कैंसिल हो जा रहा है ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो आपके पास जो रिजल्ट बचा वो आया क्यू डिवाइडेड बाय फोर इज इक्वल टू स्मॉल क्यू ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना बिकॉज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज टूवर्ड्स राइट तो इसका मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स है ए पर जो फोर्स बी की वजह से लग रहा है वो बी की तरफ लग रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स है है फोर्सेस चार्जेस क्या होने चाहिए चार्जेस अपोजिट साइन के होने चाहिए चार्जेस अपोजिट साइन के होने चाहिए इसलिए क्यू का साइन कैपिटल क्यू का अपोजिट होना चाहिए और माइनस क्यू बाई फोर इसको हम लिख सकते हैं बहुत सिंपल सा था कोई खास बात नहीं थी इसमें हमें नेट फोर जीरो करना था किसी एक चार्ज पर नेट फोर जीरो कर दिया और डायरेक्शन देखकर उसका साइन पता लग गया बिल्कुल सिंपल सा है आई होप सबको समझ में आ गया हो